क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे रियल नंबर का, और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और बहुत ही प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट मैं कराऊंगा, इसी के मिलता जुलता ये सेकंड है, ये आपको घर से करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इलिमिनेशन का यूज किया है और एलसीएम एचसीएफ का यूज किया है, मतलब रियल नंबर प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम है, कंडीशन लिख लेता हूं पहली वाली पार्ट, जो एलसीएम है वो क्या है, वो है 14 टाइम मतलब 45 टाइम किसके, एचसीएफ के। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये गिवन है। क्या दिया हुआ है कि जो दो नंबर का एलसीएम है वो 45 टाइम्स उनके एचसीएफ के, मतलब एचसीएफ के 45 टाइम्स है। एंड दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंड के बाद नई कंडीशन, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1050, मतलब सम मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 1150। ये हो गई इक्वेशन टू, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो करेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं कैसे, यहां पे एलसीएम जो है वो 14 टाइम 45 टाइम एचसीएफ के, और यहां एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, ये 1150। अगर मैं एलसीएम को ये रख दूं 45 टाइम एचसीएफ, तो सिर्फ एचसीएफ बचेगा, मतलब एक ही वेरिएबल बचेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन से वन एंड टू से पुटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन टू, मतलब इक्वेशन वन से एलसीएम की वैल्यू निकाल के इक्वेशन टू में रख देता हूं। तो मैं यहां पे देखो एलसीएम की जगह क्या लिख रहा हूं, यहां पे देखो 45 टाइम एचसीएफ प्लस एक और, ये एचसीएफ ऑलरेडी है, एचसीएफ ऑलरेडी है, और ये दोनों मिलके कितने के बराबर है, 1150 के। तो 45 प्लस 1 कितने हो गए, 46, मतलब 46 टाइम एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, 1150 के। अब ये 46 यहां पे है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, डिवाइड में, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1150 और डिवाइड बाई 46। तो इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर पता है, आप कर लेना, 5425 आएगा, मतलब मुझे ये पता चल गया कि एचसीएफ कितना है मेरा, 25। तो ये चीज हमसे पूछी हुई है कि भाई फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ निकल गया, अब इस एचसीएफ को यहां रख दो तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं, है ना, तो ये आपने लिख लिया होगा, ये मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ये देखो। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एचसीएफ रख देता हूं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 45 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112, तो मतलब एलसीएम कितना आया, 1125। क्लियर है यहां तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया होगा, ये मेरा एलसीएम है, ठीक है, और वो मेरा एचसीएफ है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया मैंने, ठीक है, आया समझ में। अब देखो हमारा एक नियम है क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो वही हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और प्रोडक्ट करो, देखो वो भी वही आएगा, आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन करना, और ये वाला क्वेश्चन आप घर पे करना इसी वजह से, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ये हमारी सीरीज का छठा क्वेश्चन था, टॉप 10 सीरीज का, अब करेंगे सातवां क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो।